उस समय मर्दान के इलाके में, होते में मर्दान का इलाका, उस समय पठानों से बहुगिनती में रहता था। पठान बहुत ज़्यादा रहते थे वहाँ पर, और पठानों में एक पठान था जिसका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसा पठान बताया गया है कि जो अपने साथ बंदूक वाली रखता था दिन रात, और लोगों को लूटता था, जो मन में आए करता था। इतने ताकतवर था, कोई इसके आगे खड़ा नहीं हो पाता था। जिसे चाहे लूट लिया, जिस लड़की को चाहे उठा लिया, जो चाहे किया, कोई रोकने वाला नहीं। पापों से भरा पड़ा इसका चरित्र। जो इसके अपने भी थे वो भी इसकी इससे नफरत करते थे अंदर ही अंदर, कि इतना बुरा इंसान, ना जाने कितने पापी मरे होंगे तो एक ये पैदा हुआ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अब्दुल गफ्फार खान एक दिन बाजार में से गुजर रहा है, इसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मन में ऐसी वासना जागी, पापी तो पहले था, पाप और जाग पड़े। अपने नौकरों से कहता है ये मुझे चाहिए। नौकरों ने हाथ जोड़ दिए, भाई इसके बारे में बात मत करो। कहने लगा क्यों? कहने लगे ये फलाने पठान की बेगम है जो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पता भी चल गया उन्हें वो तुझे ख़त्म कर देगा। ये सुनकर हैरान हो गया कि वो पठान तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास मुझसे भी ज़्यादा लोग हैं। पर मन में पाप हावी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर में चला गया, इसकी चार बेगमें हैं, चार शादियाँ हुई हुई हैं इसकी, पर फिर भी उदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप जाग गया कि वही चाहिए, वो बेगम मुझे अपनी बनानी है। उदास बैठा है, खा नहीं रहा, कहीं काम नहीं करने जा रहा, लूटने नहीं जा रहा, चुपचाप घर बैठा है। बेगमें आकर पूछ पूछ कर चली गई, सबको इसने भेज दिया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इतिहास में लिखा है इसका एक मित्र कुछ दिनों बाद आया, जिसका नाम है रामदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने आकर पूछा, भाई क्या बात है? मुझे पता चला है तू खाना नहीं खा रहा, उदास बैठा है। इसने कमरा बंद करके इसे अपनी सारी बात बताई कि फलाने की बेगम मुझे अपनी बनानी है, तू रास्ता बता कैसे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये रामदास जो संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का शिष्य था, उनका संगी था, पर ना जाने क्यों उससे मित्रता थी पुरानी, मिलने चला आया नेत निरंकार की। ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा भाई ये कैसी बातें कर रहा है, किसी की बीवी है वो, बेगम है, उसे तो कैसे अपनी बना लेगा, ये तो है ही गलत, है ही पाप का रास्ता, ना मुझसे पूछ ना मैं कुछ बताऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा अगर मुझे वो बेगम नहीं मिली, उस फलाने पठान की बेगम मुझे अपनी नहीं बना पाया, मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रामदास ने समझ लिया कि ये मेरे कहने से समझने वाला नहीं, पर महापुरुष संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास भेज देता हूँ। मन में सोचा कि वही सही रास्ता दिखा सकते हैं इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कमाई वाले, तो इसने कहा तेरा काम एक पूरा कर सकते हैं, महापुरुष हैं संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, फलानी जगह पर हैं, वहाँ पर चला जा, वो तेरी तुझे गाइड कर सकते, तुझे समझा सकते हैं क्या करना, मुझसे मत पूछ। ये चला गया। वो कहने कभी मिलेंगे, कहने लगे अब तो रात हो गई है, अमृत वेले वो अपना सिमरन में बैठे होते हैं, जब सुबह होगी सिमरन से उठेंगे तो उनसे बात कर लेना। ये रात को ही चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले नदी के किनारे आज आसन में बैठे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं अपनी। ये दूर खड़ा हो गया कि जब उठेंगे तो मैं चरण पकड़ लूँगा। अब्दुल गफ्फार खान, जिसने कभी नाम नहीं जपा, इसके बारे में लिखा है कि मुसलमान होते हुए भी ये कभी ईद के दिन भी मस्जिद नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तस्बीह होती क्या है, फेरते कैसे है पता नहीं, कभी कलमा नहीं पढ़ी, कभी नमाज अदा नहीं की, ऐसा मुसलमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज चला गया संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। अमृत वेले का समय हुआ, समाप्ति हुई, जब संत करम सिंह जी ने समाधि खोली, इसने जाकर अपना सर रख दिया चरणों में, कहने लगा मुझे बचा लो मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होते मर्दान वाले संत करम सिंह जी पूछते हैं, खां साहब क्या बात है, क्या तकलीफ है बताओ।
तो उसने महापुरुषों से साफ साफ कह दिया कि फलाने की बेगम है, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे अपनी बनानी है, क्या करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी हैरान हो गए कि आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं की। साफ आके कह रहे कि फलाने की बेगम अपनी बनानी है, इतना पाप। संत करम सिंह जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसके हृदय में झांका, आंखें खोली, कहने लगे जो हम कहेंगे अगर तू करेगा तो तू जो चाहे हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू कर नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। गफार खान कहने लगा आप खाली मुझसे कहो तो सही, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जितना भी धन चाहिए मुझसे ले लो, जो बेटा चाहिए ले लो, पर मेरा काम कर दो कि वो बेगम मेरी हो जाए। करम सिंह जी कहने लगे नहीं हमें धन नहीं चाहिए, हम जो काम कहने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, तू कर सकेगा हाँ कर तो बताए, नहीं तो बताएंगे भी नहीं। वो कहने का वो करने से मुझे वो बेगम मिल जाएगी। करम सिंह जी कहने लगे संत करम सिंह जी वो बेगम ही नहीं, तू जो चाहेगा वो मिल जाएगा तुझे, पर वो तुझे जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा, अगर अपने मन की फिर नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये खुश हो गया, कहने का बताओ क्या करना है। संत करम सिंह जी ने क्या कहा ध्यान से सुने, कहने लगे आज की रात जो बीत गई सो बीत गई, अब कल जो रात आएगी तूने सोना नहीं है, 1 बजे के करीब उठ जाना, केसी स्नान करना, ये तुझे 40 दिनों के लिए करना है। क्या करना है 40 दिनों के लिए, 1 बजे उठ जाना रात को, केसी स्नान करना, स्नान करके अपने कमरे में बैठ जाना, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, बोलना बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगे अपनी बेगम से कह देना, भोजन के लिए इशारा कर देना है, थोड़ी सी बात जितनी ज़रूरी है उतनी बात करनी है बस, किसी से मेल जोल नहीं, जितने भी कोई तुझे मिलने आए तूने नहीं मिलना, तूने कमरे में बैठे रहना है और तस्बीह फेरनी और अल्लाह अल्लाह करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज का वक्त हो तूने नमाज अदा करनी है मस्जिद में जाके, 5 वक्त नमाज अदा करनी है तूने, पर मस्जिद में जाकर किसी से बात नहीं करनी, कोई बुलाए कोई जवाब नहीं देना, और मस्जिद में जाकर भी नमाज के वक्त से पहले भी बाद में भी कोने में बैठकर अपने तस्बीह फेरते जानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए सात संगत जी कितनी बड़ी बात है, महापुरुषों ने ये नहीं कहा वाहिगुरु वाहिगुरु कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो जहाँ है वहीं जोड़ दिया कि मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़, उसके बाद घर में आ जा, तुझसे कोई कितना भी सवाल करे बताना मत कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और किसके कहने पर कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन भी तूने तस्बीह फेरते रहना है, फेरते रहना है, फेरते रहना, थोड़ा सा आराम करना है, जब भी नींद खुले जाग के बैठे तस्बीह फेरनी है, ना किसी से मिलना है ना कहीं बाहर जाना है, कर सकेगा। अब्दुल गफार खान कहने लगा मुझे वो मिल जाएगी, कहने लगे ये नहीं जो चाहे मिल जाएगा, तू कर सकेगा। वो खान कहने लगा हाँ मैं करूँगा, कहने लगे फिर जा शुरू कर, ये हाथ जोड़कर चला गया, घर आया, किसी से बात नहीं कर रहा, चुप है। रात हुई 1 बजे उठा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान किया केसी, कपड़े पहने स्वच्छ, हाथ में पहली बार तस्बीह पकड़ी और बैठा है कोने में, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, बेगमें देख रही हैं इसको कि इसको क्या हो गया, ना किसी से झगड़ा, दिन में 10 झगड़े जब तक ना कर ले इसे चैन नहीं आती, हम पर ना चला दे चैन नहीं आती। और संत करम सिंह जी ने 2 बातें और कही थी, इन 40 दिनों में ना शराब, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, ना ही मांस खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना ही ये मांस मांग रहा है खाने के लिए, नॉन वेज नहीं खा रहा, शराब नहीं पी रहा, कोई गलत काम नहीं कर रहा, ऊपर से बैठ गया तस्बीह फेरने, दिमाग हिल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पहली नमाज का वक्त हुआ 5 के करीब, ये गया मस्जिद में, सारे लोग इसे देखकर हैरान कि ये कभी ईद में भी मस्जिद में दिखाई नहीं दिया, ये क्या करने आ गया यहाँ पर, ये बैठा है वहाँ पर तस्बीह फेर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, देख रहा है, लोग हैरानी से देख रहे हैं, फिर चुप बैठा है। इसे नमाज अदा करनी नहीं आती पर अब नमाज अदा कर रहा है देख देख कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज याद करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों ने पूछने की कोशिश की, भर क्या बात है यहाँ पर, क्या है, सब ठीक है, सब खैरियत है, कुछ जवाब नहीं दे रहा, चुप।
समय ख़त्म हुआ, वापस अपने घर पे आया, अंदर जाके फिर बैठ गया, फिर तस्बीह फेर रहा है। तस्बीह क्या फेर रहे हैं? अल्लाह क्यों कर रहा है? मन में पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक के, फलाने की बेगम को अपना बनाना है, वो ज़्यादा ताकतवर है, उसे छीन नहीं सकता मैं। अब कोई चमत्कारी हो वो बेगम मेरे पास आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बड़ा पाप है मन में, दिखावे के लिए नहीं और उसे पाने के लिए जप रहा है अल्लाह अल्लाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप, मुंह में अल्लाह अल्लाह। एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, चौथा दिन हुआ। चौथे दिन जब ये गया मस्जिद में, लोग इसके आगे सर झुकाने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब इसे सर झुका रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। आज तक किसी ने इसके आगे सर नहीं झुकाया, झुकाया है पर डर के। ये देख रहा है कि अभी झुकाने में डर नहीं, रिस्पेक्ट है इनके सर झुकाने में, एक अलग सा प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले लोग मुझसे डर कर सर झुकाते थे, अब प्रेम से झुका रहे हैं। चार दिनों में ये शांत बैठा है। लोग अब भी मुझसे पूछ रहे हैं कुछ लोग के क्या हुआ, ये कुछ बोलता ही नहीं, बेग में पूछ पूछ कर थक गई, एक दूसरे से बातें करी, इसको क्या हो गया है, पर खुश भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथा दिन है, लिखा है कि अमृत वेले बैठा है मस्जिद से वापस आकर, फिर से कलमा पढ़ रहा है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो मन में इसने विचार आया, मैल उतरनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में क्या सोचता है, मेरी चार बेगमें इतनी सुंदर अल्लाह ने मुझे दी, फिर मेरा मन उस बेगम के पीछे क्यों गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन से बातें कर रहे हैं, आंखें भरी भरी हुई हैं इसकी, क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों? ये जो नाम है प्रभु का, ये हृदय में से मैल उतारता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा समय बीता, दोपहर के समय हुई तो दरवाजा खटखटाया घर का। बेगम आके कहती, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, आपसे मिलने आए। ये हैरान है कि मुझसे कौन मिलने आ गया इतने लोग। बाहर जाके देखा तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद में आते हैं, उनके हाथ में फूलों की मालाएं उसके गले में डाली हैं सब ने। सब सर झुका रहे, कहने लगे, हमने आपको समझने में भूल की, हम आपको कातिल, हम आपको बहुत बुरा आदमी समझते थे, पर बुरे तो हम थे जो आपको समझ नहीं पाए। आप तो कोई खुदा की करामात हो, फकीर हो, उसके वली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इबादत में डूबे रहते हो, ना किससे बात करते हो, ना कुछ लेना ना देना, ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा है, आंखें झुक गई इसकी कि मैं क्या सोच के कर रहा हूँ, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महिमा बताई जा रही है नाम की, साथ संगत जी बार बार दास हाथ जोड़कर बेनती करता है, मत आकर अपनी प्रॉब्लम्स बताया करो, नाम को पकड़ लो, नाम को अपनी प्रॉब्लम बताओ, सर्व रोग का औखद नाम। दुनिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल नाम नहीं कर सकता, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, चाहे आत्मिक बीमारी हो, चाहे कोई डिप्रेशन में हो, चाहे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया हो, नाम को पकड़ लो, इतने हट करके इतना टाइट पकड़ लो, नाम सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम गलती कहाँ करते हैं, वो विचार भी आगे करेंगे। इतिहास में लिखा है, ये मन ही मन शर्मिंदा हो रहा है, कमरे में बैठा रोने लगा जोर जोर से। बेग में आके पूछ रही, किसी से कुछ नहीं कह रहा, शर्मिंदा है अंदर ही अंदर। अब इसकी भावना ये तो खत्म हो गई कि मुझे वो बेगम चाहिए चार दिनों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसने अब अल्लाह अल्लाह करना नहीं छोड़ा, ये नहीं भावना खत्म हो गई तो छोड़ दिया, नहीं, अब उसमें रस आने लगा इसे। इतिहास में लिखा है 11वां दिन था, रामदास उसका मित्र फिर से मिलने आया इससे।
इसके पास बैठा, इसके बारे में सारी जानकारी जब उसकी बेगमों ने दी, बाहर से पता चला, तो हैरान हुआ। शुक्राना किया मन ही मन संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का, और उससे पूछने लगा, मन की अवस्था क्या है अब? वो कहने लगा, मन की अवस्था तो ये है कि अब अपने पाप याद कर करके डर रहा हूँ। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, मैंने इतने पाप किए हैं, इतने लोगों को तकलीफें दी हैं, इतना पाप किए हैं, मैं कैसे बख्शा जाऊँगा, ये सोच के मुझे डर लग रहा है। अब मेरे लिए तो दोजख तैयार बैठा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। वो कहने लगा, नहीं, वो बेगम के बारे में बता। कहने लगा, नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे मन में ये ख्याल भी कैसे आया, मुझे नहीं चाहिए अब मुझे अपने पापों से छुटकारा चाहिए। रामदास जी कहने लगे, जिन्होंने रास्ता बताया है उनके ही चरणों में चला जा, उनके शरण में चला जा, आगे का रास्ता भी वही बता देंगे। ये आपस में विचार कर रहे हैं, बाहर से एक बेगम आके कहती है इसकी कि फलाने पठान की बेगम आपसे मिलना चाहती है। ये वही बेगम जिसके बारे में इसके मन में बुरा ख्याल था कि इसे अपना बनाना है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बहुत सारी भेंटाएं लेकर आई और आपसे मिलना चाहती है। ये हैरान हुआ, चुप कर गया। रामदास भी पास खड़ा, चुप कर गया। गया बाहर, दरवाज़ा खोला, उसने अंदर आते ही उस बेगम ने जिसके ऊपर इसकी बुरी नज़र थी कि अपना बनाना है, वो कहती है कि हे वली, हे पीर, मेरे सर पर अपना हाथ रख दे ताकि मुझे भी बंदगी की दात मिल जाए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और ये जिसके मन में पाप था उसके प्रति, उसके सर पे हाथ रख के कहता है, बेटा तुझे खुदा बंदगी की दात बख्शे। कांपते हाथों से उसने सर पे हाथ रख के ये कहा, और वहाँ से अब्दुल गफार खान दौड़ पड़ा, कहाँ? संत अतर सिंह जी मस्त होती मर्दान, संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। संत करम सिंह जी कहने लगे, ये है नाम की महिमा, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है खुदा के नाम ने किया है। हमने तेरे मन में झांक लिया था कि अगर तुझे समझाएंगे बात तेरी समझ में नहीं आएगी, उस वक्त तुझे समझा सकता है केवल नाम। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कि नाम की ताकत ही तेरा मन से पाप धो सकती है, और उसने किया। अब इसे छोड़ना मत, ये पांच वक्त की नमाज, क्योंकि मुसलमान को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उपदेश है कि मुसलमान कहने से केवल मुसलमान नहीं हो जाएगा। पंज नमाजा वक्त पंज, पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दुए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, पंजवा सिफत सुनाए, करणी कलमा आख कह ता मुसलमान सदाए। अगर मुसलमान है तो ये गुण होने चाहिए, करणी हो प्रधान, कलमा फेरता हो, हक की खाता हो, हलाल की खाता हो, हराम की ना खाता हो, पांच वक्त का नमाजी हो, तो ये तू मुसलमान है, नहीं तो मुसलमान नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इसी प्रकार सिख को समझाया है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पाल के उठा हर नाम ते आए। अगर तू सिख कहलवाना चाहता है, अमृत वेले उठ के नाम जपेगा, वरना तू अपने आप को सिख समझता रहे। गुरु साहिब जी कहते, मेरे नज़रों में तू सिख नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पाल के उठा हर नाम ते आवे, उद्यम करें पाल के परबाती स्नान करें, अमृतसर नाम है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठ के स्नान करते हैं नाम के सरोवर में, वो अमृत के सरोवर में स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना के पीछे अब विचार करने वाली बात है, पहले भी हमने सुना कि उस लड़के के मन से कुछ दिनों में ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अब्दुल गफार खान का हृदय परिवर्तन आ गया, चार दिनों में मन की मैल उतर गई। हमारी मैल क्यों नहीं उतर रही? अब इनके जपने में तरीका देखो, बाबा नंद सिंह जी जो वचन किया करते थे कि बेलोड़े मेल जोल को कम करो, महापुरुषों ने क्या कहा, नहीं मिलना किसी से। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भाव जितनी जरूरत है उतना बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना। जितना जरूरत है उतना खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। जितना जरूरत है उतना सोना है, उससे ज़्यादा नहीं सोना। और एकांत में बैठना है, मन चित्र जोड़ के रखना है अल्लाह अल्लाह से। मस्जिद में भी गए किसी से बात नहीं करनी, हम गुरुद्वारे में आके क्या करते हैं? प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जो लोग कुछ पाना चाहते हैं चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि खड़े हो गए निंदा हो जाएगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। किसी ना किसी की निंदा या तो कर देंगे या तो सुन लेंगे, करना सुनना दोनों एक समान है। और अपनी की हुई कमाई गवा कर चले जाते हैं, सालों हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, खाली के खाली बैठे रह जाते हैं।